हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है Redmi Note 7 Pro और आज इसके अंदर जो है हम Android 12 Pro जो है यूज़ कर रहे हैं, जो कि Pixel 5 Developer 1.1 का प्रीव्यू का पोर्ट है, जिसको जो डेवलपर ने फाइनली जो है Redmi Note 7 Pro के यूजर्स के लिए पोर्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या फीचर्स जो है काम कर रहे हैं और एंड में आपको बताऊंगा कैसे जो है आप इसको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, ये एंड्रॉइड 12 है और जो कि पिक्सल 5 का पोर्ट है डेवलपर 1.1 प्रीव्यू का। तो आपको जो है इसके अंदर जो है कुछ लिमिटेड एप्लीकेशंस देखने को मिलते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर जो है इसके अंदर देखने को मिलता है, बट आपको कैमरा इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है, बट जी कैम जो है इसको सपोर्ट करता है। तो आप जी कैम को जो है परफेक्टली इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, उसमें से अच्छे से आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो चाहे कैमरा मोड हो, फोटोज वगैरह कैप्चर करने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती। तो जी कैम जो है आप इसके अंदर परफेक्टली यूज़ कर पाते हैं। अगर हम कॉलिंग वगैरह की बात करें तो मैं आपको जो है एक कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। वाईफाई कॉलिंग जो है परफेक्टली काम कर रही है, ये देखिए वाईफाई का आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो वाईफाई कॉलिंग जो है इस रोम के अंदर जो है परफेक्टली काम करते हुए मिल जाती है आपको। सारा का सारा जो क्रेडिट है इसके डेवलपर को जाता है, जिन्होंने इसको Redmi Note 7 Pro के लिए पोर्ट किया है। अब क्योंकि सेटिंग्स पैनल की बात करें तो पूरा का पूरा लुक जो है आपको Android 12 का ही यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको आप एडिट में जाके इनको यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। आपको हॉटस्पॉट, इनवर्ट कलर्स, डाटा सेवर, डार्क थीम, स्क्रीन कास्ट, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ से आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने हिसाब से इनको एडजस्ट भी कर सकते हैं। आप होल्ड कीजिए, ड्रैग कीजिए, जहाँ भी आप रखना चाहें इनको रख सकते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको ये देखते हैं। यहाँ पे आपको डार्क थीम का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसको इनेबल करते ही आपके फ़ोन के अंदर जो है डार्क थीम जो है परफेक्टली काम करना शुरू कर जाती है। आपको जो जेस्चर्स मिलते हैं वो एंड्रॉइड 12 के ही देखने को मिले हैं, जैसे स्वाइप अप करते ही आपके फ़ोन के ऊपर जो है ऐप ड्रॉअर यहाँ पे लॉन्च हो जाता है, जैसे यहाँ पे कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। आपको सभी एप्लीकेशन जो है परफेक्टली काम करते मिलते हैं। कुछ इस तरीके का एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्ले स्टोर जो है इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। राइट एंड लेफ्ट से आप स्वाइप करते हैं तो आपको गूगल असिस्टेंट जो है यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आप होम स्क्रीन की कुछ और चीज़ों की बात करें, आप इसके ऊपर टैप करते हैं तो आपको स्टाइल एंड वॉलपेपर्स का सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें आप इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। वॉलपेपर्स, स्टाइल और जैसे ग्रिड साइज वगैरह है उनको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपको होम स्क्रीन के मिल जाते हैं। साथ साथ विजेट्स एंड होम सेटिंग्स का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब काफ़ी लोग पूछते हैं इसके अंदर जो है आपको सेफ्टी नेट जो है पास देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सेफ्टी नेट पास करने के लिए आपको अपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा मैजिक मैनेजर के थ्रू, और उसके बाद जो है आपको सेटिंग्स में जाके जो है मैजिक हाइड का जो ऑप्शन है उसको इनेबल करना होगा, दिस वन, और उसके बाद जो है सेफ्टी नेट जो है आपके फ़ोन के अंदर पास हो जाता है। ये मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार रन करके सेफ्टी नेट टेस्ट। ये देखिए सेफ्टी नेट स्टेटस जो है आपको यहाँ पे चेक, यानी कि सारे के सारे सक्सेस मिलते हैं और पास देखने को मिलता है इसके अंदर। अगर कुछ और चीज़ों की बात करें तो चलते हैं उसके लिए हम सेटिंग्स पैनल। तो सेटिंग्स पैनल का लुक जो है आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है। आपको वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट इसके अंदर दिया गया है। आप ऐप्स में जाके जो है सभी के सभी एप्लीकेशन के बारे में इनकी डिटेल्स को यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक नई तरीके का UI जो है अब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नोटिफिकेशंस में आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री, कन्वर्शंस एंड बबल्स के कुछ ऑप्शंस यहाँ पे आपको देख पाते हैं। आप जो है डिजिटल वेलबींग को भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें आपने डेली स्क्रीन ऑन टाइम मेरा, इन सब को आप यहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बैटरी का पैनल में आपको बैटरी सेवर, एडेप्टिव बैटरी, बैटरी परसेंटेज, ये कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे इसके अंदर दिए गए हैं। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज एज इट इज़ वैसे ही, उसमें कुछ ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपको वही सारे के सारे साउंड एंड वाइब्रेशन के ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन सबको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की बात करें तो आपको ब्राइटनेस लेवल, एडिप्टिव ब्राइटनेस, लॉक स्क्रीन, स्क्रीन टाइम आउट, ये परफेक्टली काम कर रहे हैं। डार्क थीम को आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप डिस्प्ले साइज को भी यहाँ पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको इसके अंदर नाइट लाइट, कलर्स, ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं, बट कलर्स के अंदर जो भी आपको सिर्फ नेचुरली यहाँ पे देखने को मिला है, बाकी सारे ऑप्शन सभी यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि डेवलपर प्रीव्यू है। तो मे भी आगे चल के आपको और भी आगे इसके अंदर फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, और वैसे भी ये पोर्टेड रोम है पिक्सल 5 का। ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं। स्टाइल एंड वॉलपेपर्स का एक्सेस फिर से आपको यहाँ मिल जाता है। एक्सेसिबिलिटी में जाके जो है आप एक्सेसिबिलिटी के सारे फीचर्स यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। इन चीज़ों को आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। प्रिवेसी के अंदर जो है प्रिवेसी के सभी लेटेस्ट फीचर्स जो है एंड्रॉइड 12 को आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे एड्स, एक्टिविटी कंट्रोल्स, गूगल लोकेशन हिस्ट्री, इन सबको आप यहाँ पे इजीली जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी में आपको बता देता हूँ, आपको स्क्रीन लॉक में पैटर्न, पिंस वगैरह परफेक्टली काम कर रहे हैं। आपको जो इसके अंदर जो है फिंगरप्रिंट का सपोर्ट मिल जाता है। ये देखिए फिंगरप्रिंट से हम फोन को अनलॉक करते हैं और हमारा फोन जो है अनलॉक
हो चुका है, आपको फेस अनलॉक जो है इस टाइम पे इसके अंदर यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो हाँ, ये चीज़ जरूर है कि आपको फेस अनलॉक नहीं मिला, बट फिंगरप्रिंट जो है परफेक्टली आपको काम करता हुआ मिल जाता है। बाकी वही आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप इमरजेंसी SOS वगैरह को यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, जैसे कॉल फॉर हेल्प वगैरह ये कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स भी आपको यहाँ पे इसके अंदर ये नए एंड्रॉइड 12 के फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिले। अगर आप सिस्टम में जाएँ तो लैंग्वेज इनपुट जेस्चर्स में आप जेस्चर्स में जाकर जो है डबल टैप ऑफ, क्विकली ओपन कैमरा, सिस्टम नेविगेशन को यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। सेटिंग्स में जो है सिर्फ आप इनके एजेस वगैरह और राइट एजेस को ही एडजस्ट कर पाते हैं इसके अंदर, बाकी आपको 3 बटन नेविगेशन का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। पावर मेनू में आप डिवाइस कंट्रोल्स या इन सब चीज़ों को यहाँ पे इजीली एक्सेस कर पाते हैं। पावर मेनू जो है आप लेटेस्ट जो है एंड्रॉइड 12 का ही यहाँ पे देखने को मिला है। इवन अगर आप देखें तो आपको मैं वॉल्यूम पैनल दिखा देता हूँ, वॉल्यूम पैनल जो है आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग वॉल्यूम, नोटिफिकेशन, अलार्म वॉल्यूम, इन सबको ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पे देखने को इसके अंदर मिल जाती हैं। तो ओवरऑल जो है हम सभी फीचर्स इसके चेकआउट कर चुके हैं। गूगल कैमरा परफेक्टली काम कर रहा है, कॉलिंग वगैरह में सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको कोई भी इनके इसके अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो मैंने जो है इनके टेलीग्राम का जो सपोर्ट का ग्रुप है उसका लिंक वहाँ पे आप डाल दिया है, वहाँ जाके आपको काफ़ी सारे और भी आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो वहाँ कोई ना कोई फिक्स आपको ज़रूर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि आपने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। आप इसको इंस्टॉल करने के लिए TWRP, ऑरेंज फॉक्स या पिच ब्लैक कोई भी रिकवरी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना है, जो कि अराउंड मैं आपको दिखा देता हूँ कितने साइज़ की है। ये देखिए 1.96 GB की है, इसको आपने डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इसका मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप अपने फ़ोन को किसी कस्टम रिकवरी पे बूट करेंगे, तो पहले हम फ़ोन को स्विच ऑफ कर देते हैं और हम अपने फ़ोन में TWRP कस्टम रिकवरी पे इसको बूट करेंगे। तो जैसे ही फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे और आपका फ़ोन जो है कस्टम रिकवरी पे बूट करेगा। हम अपने फ़ोन के अंदर TWRP की रिकवरी यूज़ कर रहे हैं तो हमारा फ़ोन जो है TWRP की रिकवरी पे बूट करेगा। तो ये देखिए हमारा फ़ोन जो है TWRP कस्टम रिकवरी पे बूट कर चुका है। वाइप पे जाइए, एडवांस वाइप, डाल्बी कैश, कैश सिस्टम, वेंडर डाटा, इन सब पार्टीशंस को आप वाइप कर देंगे एक बार। जैसे ये सारे पार्टीशंस आपके फ़ोन में से वाइप हो जाते हैं, सिंपली जो आपकी जो रोम की फाइल है आपने उसको जाके सेलेक्ट करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना। तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं और स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश कर देते हैं। इसके बाद आप फॉर्मेट डाटा करेंगे और उसके बाद जो है रिबूट सिस्टम करेंगे, आप जो है रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर जो है एंड्रॉइड 12 को परफेक्टली रन कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको इसके अंदर सेफ्टी नेट को पास करना है तो आपने फ़ोन को रूट करना पड़ेगा मैजिक वर्जन के साथ और वहाँ से मैजिक साइट करेंगे तो आपका जो सेफ्टी नेट है वो इसमें पास हो जाता है। तो इस तरीके से जो है आप एंड्रॉइड 12 बेस्ड रोम जो है अपने रेडमी नोट 7 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। बस सिंपली जैसे ये फ्लैश हो जाता है उसके बाद फॉर्मेट डाटा कीजिए और रीबूट कर दीजिए और आपके फ़ोन के अंदर ये रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुका होगा। सारा का सारा क्रेडिट जो है इसके डेवलपर को जाता है, तो और साथ ही साथ इनका जो लिंक है आपको ग्रुप का वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो वहाँ अपने क्वेश्चन आप पुट अप करके उनको कोई ना कोई आपको फिक्स वहाँ पर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।